नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन ने ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आपको गुस्सा आएगा या हंसी, ये तो आप ही को डिसाइड करना है। जी हां, रांची में जो हिंसा लगातार हो रहे थे, 10 तारीख को जो बेजोड़ हिंसा हुई है जिसमें रांची में, ये कहना गलत नहीं होगा कि आग में रांची झुलसा है, उस सवाल को लेकर जब हमारी टीम ने, जीएन भारत और 7 अन्य पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री से कल सवाल किया कि आपने जो कहा था शांति बनाए रखना, टैश में आके काम न करना, इसका क्या मतलब हुआ, इस बयान का क्या मतलब हुआ, इस पर आप सुनकर चौंकेंगे कि सीएम हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि आप लोग ऐसे सवाल करते तो क्या करूं, पेट्रोल और डीजल लेकर मैं सड़क पर उतर आऊं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोगों को बातें समझ में नहीं आती तो आप लोग पत्रकारिता छोड़ क्यों नहीं देते हैं, आप लोगों ने कहां से डिग्री ली है, आप लोग पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए जब इतनी सिंपल बात भी आपको समझ में नहीं आती है। आपको बता दें, सीएम की ये बात की बेहद कड़ी निंदा हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों से बात की और अपने सवाल के जवाब इतने बड़े हिंसा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं रोड पर पेट्रोल डीजल लेकर निकल आऊं, चूंकि वो मुखिया है राज्य के, इसलिए ऐसे बयान का उम्मीद उनसे नहीं किया जा रहा था। इस पर मौका देखते हुए विरोधी ने भी हल्ला बोल दिया। हमने सीपी सिंह से बात की, सीपी सिंह ने, रांची के विधायक सीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बेहद शर्मनाक बयान है, वो झारखंड के मुखिया है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह का बयानबाजी, पत्रकारिता छोड़ने का सलाह दे डाले, वो कोई सलाहकार नहीं है पत्रकार के। आइए सुनते हैं सीपी सिंह ने क्या कहा। अब देखिए भाई, अब माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब कुछ भी बोल सकते हैं भाई, राज्य के हेड हैं, पत्रकारिता छोड़ दें, दूसरे को सलाह दे रहे हैं, तो ये सलाह अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते हैं? जब उन्हें राज्य नहीं संभाल सकते हैं तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, इसका जवाब तो यही हो सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हिंसा ही हुआ तो हम रोड पर पेट्रोल डीजल लेकर निकल जाए। आपको लगता है कि सीएम ऐसा बयान, मैं इसीलिए मैं कहूँ ये बचकाना बयान है, एक सीएम का बयान ये नहीं हो सकता, इसको अच्छे ढंग से और भी बात रख सकते हैं। मैंने कहा ना, ये दंगाइयों को बचाने में व्यस्त है, दंगाइयों को बचा करके और एक तरह से एक समाज, एक बड़ा समाज को चैलेंज कर रहे हैं, ये चैलेंज उन्हें महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही सीपी सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बीजेपी का तो काम ही है इस तरीके से पलटवार करने का, उन्होंने असल में ये सारी बातें सिर्फ मजाक में कह दी, क्योंकि पत्रकारों से वो बहुत घुल मिल के रहते हैं, लेकिन इसको बहुत तोड़ मरोड़ के पेश करके सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आइए सुनते राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा। देखिए, उनके कहने के मर्म को समझिए, हाल के दिनों में जिस प्रकार से रांची को या झारखंड को अशांत करने के एजेंडे पे जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बयान उसी संदर्भ में था। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, जिस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, जिस एक एजेंडे को चलाने का प्रयास किया जा रहा है झारखंड में, चीज़ों को समझना चाहिए। ये अमन पसंद राज्य है और इस अमन पसंद राज्य में शांति बहाली की ओर हम किस प्रकार से जाएं, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वो किसी ने, हाँ किसी ने तो हल्के लहजे में कहा था, अब इसको अगर विषय बना करके अगर लोग पूछना चाहते हैं तो उसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी बेहतर दे सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं। जैसा आपने सुना कि सीपी सिंह और राजीव रंजन का बयान हमने आपको दिखाया, इन दोनों आमने सामने है, बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है सीएम हेमंत सोरेन के बयान को लेकर, लेकिन देखा जाए तो ये इस तरीके का बयान कि मैं रोड पे सड़क पे उतर जाऊं, आप पत्रकारिता छोड़ दो, सीएम होने के नाते ये बहुत बड़ा बयान हो जाता है जिसपे विरोधी तो अपना विरोध जताएंगे ही। देखना दिलचस्प होगा कि विरोधी इस बयान पे और कैसे घेरते इनको। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।